अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रमजान स्पेशल। प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज मैं आपके लिए पिन मील्स की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाएंगे। दो अदद बॉइल्ड मैश पोटैटोस, एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दो से तीन अदद सब बारीक मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और एक नींबू। अब एक पैन लीजिए और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर हीट कीजिए और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें प्याज और सब मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून कैरम सीड्स ऐड कर दीजिए और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाइए। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब इसमें मैश पोटैटोस ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें बारीक कटा हुआ सब धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पिन व्हील्स की फिलिंग हमारे पास एकदम तैयार हो चुकी है, अब इसे साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। एक बाउल मैदे में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करके एक हार्ड सॉफ्ट डो तैयार कर लिया हमने। अब इस डो को हाफ में काट लीजिए। 150 ग्राम्स के करीब एक डो बॉल बना है हमारा, अब इसे रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से फ्लैटन कर लीजिए। डो हमारी अच्छी तरह से फ्लैटन हो चुकी है, अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी इसमें वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पूरी डो पर स्प्रेड करेंगे। फिलिंग हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर ली है, चलिए अब हम इसको रोल कर लेते हैं। अब इसके एंड पे थोड़ा सा मैदे का सॉल्यूशन ऐड कीजिए और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए और इसे सील कर लीजिए। अब इसे इसी तरह हल्के हाथों से रोल कीजिए ताकि इसके अंदर जो फिलिंग है वो हर जगह बराबर हो जाए। चलिए अब इसके एंड्स अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। अब इसको बहुत ही केयरफुल होके एक शार्प नाइफ के साथ 1-1 इंच के फासले के साथ काट लें।
अब एक एक पीस उठाइए और उसे सॉफ्ट हैंड्स की मदद से हल्का हल्का प्रेस कीजिए ताकि इसकी एक फर्म शेप आ जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। चलिए अब तमाम पीसीस को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। फ्राई करने के लिए पानी और मैदे की मदद से इसका एक ऐसा पतला सॉल्यूशन बना लीजिए। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब ऐसे एक एक पीस को इस सॉल्यूशन में कोट कीजिए और इसे ऑयल में ऐड कर दीजिए। और अब इसे एक प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पिनव्हील्स हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और कितने मज़े के लग रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।